नमस्कार, शुजालपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शुजालपुर में मनरेगा यूनियन की हड़ताल लगातार जारी है और आज मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काला पीपल विधायक इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा। इस हड़ताल से इलाके में मनरेगा का काम ठप हो गया है और संविदा पर रोजगार सहायक के रूप में लगाए गए कर्मचारी समान वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं। मजदूरों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के सैकड़ों कर्मचारी बीते 4 दिनों से कलमबद्ध हड़ताल पर हैं। आज भी शुजालपुर में मनरेगा के रोजगार सहायकों, इंजीनियरों, तकनीक ऑपरेटरों ने विधायक इंदर सिंह परिवार को अपनी जायज मांगों को लेकर चर्चा की और सरकार तक आवाज पहुंचाने और न्याय दिलाने की मांग विधायक से की। इनकी जो मांग है तो वेतन बढ़ाने की और स्थायीकरण करने की, इन मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मांग को पूरा करने के लिए निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि इनकी मांग स्वीकार की जाए। गौरतलब है कि मनरेगा यूनियन के इन कर्मचारियों की नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर चल रही हड़ताल से मनरेगा सहित पंचायत स्तर का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। शुजालपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सामूहिक विवाह सम्मेलन और अंत्योदय मेला एक साथ एक ही दिन होगा और इस आयोजन में सिंहस्थ उज्जैन की केंद्रीय समिति अध्यक्ष माखन सिंह चौहान शामिल होंगे। शुजालपुर के जटाशंकर महादेव मंदिर पर 13 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह में 70 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे और एक जोड़ा ऐसा भी होगा जिसमें वर और वधु दोनों विकलांग होकर जीवन साथी बन 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। इस विवाह के साथ ही शुजालपुर में करीब 1000 विकलांगों के लिए अंत्योदय मेला भी आयोजित होगा। इस मेले में विकलांगों को तत्काल मौके पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर जारी किए जाएंगे और ट्राईसाइकल श्रवण यंत्र भी बांटे जाएंगे। आयोजन में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और सिंहस्थ केंद्रीय समिति अध्यक्ष माखन सिंह चौहान और जनपद अध्यक्ष किशोर सिंह पाटीदार विशेष रूप से शामिल होंगे। सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान महोत्सव जो है आयोजन हमारा योजना के तहत यहाँ किया जा रहा है। 70 जोड़े शामिल हो रहे हैं उसमें। इसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय श्री अंत्योदय मेला भी किया जा रहा है जिसमें विशेषकर से हमारे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और इस वित्तीय वर्ष में जितने लोगों को लाभान्वित किया है उसकी जानकारी देंगे और कौन कौन सी विभाग की योजनाएं हैं उसका वितरण भी अगर यहाँ पर होगा तो भी कराया जाएगा संपूर्ण मंच पर। साथ में विकलांगों के लिए एक अलग शिविर की व्यवस्था हमने इसमें की है जिसमें डॉक्टर्स की टीम आ रही है। वो हमारे जड़ाशंकर मंदिर परिसर के सामने जो थिएटर है उसमें उनकी व्यवस्था की गई है जिसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट राज्य स्तर के और जिला स्तर के अधिकारी आ रहे हैं। विकलांगों को हमने सूचना कराई है ग्राम पंचायत द्वारा, वहाँ पर उनको उपकरण भी बना के तरह तत्काल दिए जाएंगे जो कस्टमाइज रहेंगे उनके बॉडी के हिसाब से। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल का असर शाजापुर में भी देखने को मिल रहा है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल का असर शुजालपुर में भी देखने को मिला। यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी बीते 2 दिन से कलमबंद हड़ताल पर हैं। आज भी शुजालपुर में मनरेगा के रोजगार सहायकों, इंजीनियरों, तकनीक ऑपरेटरों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए मंदिर में प्रार्थना की और जनपद पंचायत परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया कि हमारा नियमितीकरण न हो जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम हितग्राही तक पहुंचाने के लिए रोजगार सहायक संगठन और समस्त रोजगार सहायक मनरेगा के समस्त कर्मचारी जितनी भी योजनाएं शासन द्वारा चलाई जाती है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना भरपूर सहयोग करते हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं वो शासन के मौखिक लिखित समस्त तरह का आदेश शिरोधार्य करते हैं, उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, किंतु शासन द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मनरेगा यूनियन के इस कर्मचारियों के नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर चल रही हड़ताल से मनरेगा सहित पंचायत स्तर का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। हालांकि जनपद सीईओ का कहना है कि हड़ताल से काम पर असर तो पड़ा है, इसीलिए वैकल्पिक तौर पर निर्देश जारी कर नियमित कर्मचारियों से ये काम पूरा करवाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMSTV की बाकी खबर आप EMSTV की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।